बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सुफिया यास्मीन है और मैंने अपना इलाज जो है फाउंड थेरेपिस्ट में करवाया। इससे पहले मेरे फाइब्रॉइड में अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी तो वहाँ मालूम चला कि मेरे फाइब्रॉइड यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गए, तो मैंने एक डॉक्टर से रजू किया। हमने कहा अगर आपको तंग नहीं करती तो कोई बात ऐसा मसला नहीं है, आप उसको ऐसे ही रहने दें। लेकिन 2005 के अंदर मुझे इसने थोड़ा तंग करना शुरू किया, मेंसेस में अनरेगुलरली हो गए थे, तो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा आपका, उस तक इसमें यूट्रस भी निकाल दी जाए। और मैं अपना मतलब है मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाह रही थी क्योंकि ऑपरेशन के अपने साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पड़ोस में एक रहती हैं जरखा, उन्होंने मुझे बताया कि सभिया इस तरह फाउंड थेरेपिस्ट हैं तो वहाँ पर इलाज करते हैं हर चीज़ का, तो मेरी एक दोस्त है उसने करवाया था, उसको भी आराम आ गया तो आप चलिएगा। तो मुझे लेके वहाँ गई और दिसंबर 2005 में मैंने अपना इलाज वहाँ पर शुरू किया। बड़ी दोस्तों से मैंने जिक्र किया तो हर एक ने बड़ा मुंह बना के कहा अच्छा वहाँ से तुम इलाज करवाओगी अपना। मैं शायद किसी को यकीन नहीं था, लेकिन कुरान के ऊपर हर मुसलमान का यकीन होना चाहिए और हमें तो यकीन काम ही है। खुद अल्लाह ताला का फरमान है कि इसमें आपके लिए शिफा और निजात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर साहब के पास गई, उन्होंने बड़ी तसल्ली दी कि नहीं नहीं इंशाल्लाह ठीक सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज 7 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने परसों अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें तमाम फाइब्रॉइड्स ख़त्म हो चुके थे और मेरी ओवरी में भी असिस्ट थे दो, और दो रसौलियाँ थी मेरे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो ये एक मौजज़ा है आज के ज़माने में, जबकि मुसलमानों का यकीन आहिस्ता आहिस्ता उठता जा रहा है, तो उसके लिए अगर मैं अपनी ज़ात मैं पेश कर सकती हूँ कि एक मौजज़ा है कि अल्लाह ने मुझे सेहत कामला दिया, उस पर परवरदिगार का मैं बहुत एहसान मंद हूँ। और उसके बाद डॉक्टर साहब डॉक्टर रियाज की कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इलाज किया कि मैं सारी ज़िंदगी इनको अपनी दुआओं में याद रख सकती हूँ। सिलेबस तो मैंने कुछ भी नहीं दे सकती लेकिन दुआओं में मैं इन्हें हमेशा याद रखूँगी, अल्लाह ताला इनका दोनों जहाँ में भला करें।